तो स्टूडेंट्स, आज हम जो है अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, जो कि है माउस एंड इट्स फंक्शन। यानी कि माउस क्या होता है और उसके कौन कौन से काम हैं, वो किन कामों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो माउस बेसिकली एक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है, जो कि बहुत ज़्यादा छोटी, मतलब अपने जो उसका जो हुजम है वो छोटा है और साइज़ भी बिल्कुल छोटा होता है, वज़नी भी नहीं होती। ठीक है, ये स्क्रीन पर पॉइंटर की मदद से आपकी इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, और साथ ही साथ जो पॉइंटर है ये आपकी फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रहा होता है। इसके बेसिकली दो या तीन बटन इसके ऊपर मौजूद होते हैं और एक स्क्रॉल बटन मौजूद व्हील मौजूद होता है, जो आपके डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इसकी देख लेते हैं डिटेल में। माउस इज़ मोस्ट वाइडली यूज्ड पॉइंटिंग डिवाइस। इट इज़ स्मॉल लाइट वेट इनपुट डिवाइस। माउस जो है बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली पॉइंटिंग डिवाइस है और ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होती है। ठीक है, बहुत कम वजनी होती है। इट इज़ यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शन विद अ पॉइंटर ऑन द स्क्रीन। ये आपकी स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर पॉइंटर की मदद से इंस्ट्रक्शंस देने के लिए इस्तेमाल होती है। अब पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली एक सिंबल्स होता है, ये एक सिंबल आपको नज़र आ रहा होता है कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जिसके ज़रिए आप इंस्ट्रक्शंस दे रहे होते हैं। तो माउस इज़ मूव्ड ऑन फ्लैट सरफेस टू कंट्रोल द कर्सर मूवमेंट। जो आपके कर्सर की जो मूवमेंट होती है वो आपकी फ्लैट सरफेस के ज़रिए मूव करवाए जा रहे थे, कंट्रोल करवाई जा रही होती है। माउस यूजली हैज़ टू और थ्री बटन्स। एक जो माउस है उसके ऊपर दो या तीन बटन मौजूद होते हैं। इट आल्सो इंक्लूड अ स्क्रॉल व्हील टू स्क्रॉल थ्रू लॉन्ग डॉक्यूमेंट्स। इसके ऊपर एक आम तौर पर एक स्क्रॉल व्हील मौजूद होता है, जो आपके लंबे डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ट्रेडिशनल माउस हैज़ अ स्मॉल बटन एट बॉटम। जो आपका ट्रेडिशनल है जो माउस जो है, जो ज़्यादातर आप इस्तेमाल आने वाले हैं माउस, उनमें स्मॉल बॉल जो है उनके बॉटम में लगी होती है, यानी कि नीचे मौजूद होती है। ऑप्टिकल माउस हैज़ यूजेस लाइट रिफ्लेक्शन इंस्टेड ऑफ बार टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ द पॉइंटर। जो आपके ऑप्टिकल माउस हैं उनमें बाल की बजाय एक बॉल जो है उसको इस्तेमाल करने के बजाय एक लाइट को इस्तेमाल किया जाता है, जो लाइट जो है रिफ्लेक्शन के जरिए आप इंस्ट्रक्शन दे रहे होते हैं पॉइंटर को। तो अब इसमें देखें जी, हमने डायग्राम बनाई है। डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक राइट बटन है, ठीक है, एक लेफ्ट बटन होगा और एक आपका व्हील बटन होगा, जिसके जरिए आप जो डॉक्यूमेंट्स को स्क्रॉल करवा रहे होते हैं।